वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में हुए मतदान की वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। दमाड़ बुंडू सुनाहातू राहे में हुए चुनाव की मतगणना कृषि बाजार पंडरा में शुरू हो चुकी है। तो रांची से खबर, जहां पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में हुए मतदान की वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तमाड़ बुंडू सोनाहातू राहे में हुए चुनाव की मतगणना कृषि बाजार पंडरा में शुरू हो चुकी है। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पहले चरण का मतदान और उसके बाद से अब काउंटिंग की प्रक्रिया पहले चरण की। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पहले चरण के लिए जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से? जो तमाड़ बुंडू राहे और सोनाहातू है वहाँ की जो काउंटिंग है वह शुरू हो गई है और इस वक्त हम खड़े हैं पंडरा किसरी बाजार में, जहाँ पे इन चारों जगह की जो काउंटिंग है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और सुबह 8 बजे से ही जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वह शुरू हुई है। पहले चरण के लिए रांची ज़िले की यदि बात करें तो मतदान जो था 14 तारीख को किया गया था और 14 तारीख के बाद आज सुबह 8 बजे से इन चार जगहों बुंडू तमाड़ सोनाहातू राहे के लिए कह सकते हैं यहाँ पे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो जिले के अधिकारी हैं वे भी यहाँ पे मौजूद है और उनकी निगरानी में ही यह पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और पहले चरण में इन चार जगहों का चुनाव हुआ था और पंडरा कृषि बाजार में ही इस मतगणना के लिए व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेटिंग की गई है, बिना अनुमति के या बिना पास के कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश कर सकेंगे। जो चुनाव कर्मी हैं जो इस मतगणना में शामिल हो रहे हैं उन्हीं कर्मचारियों को यहाँ पर प्रवेश दिया गया है। वहीं पे जो नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं उनकी निगरानी में कह सकते हैं यहाँ पे जो मतगणना का कार्य शुरू हुआ है। और कुल 4 पदों के लिए वोटिंग हुई थी और इन 4 पदों के लिए यहाँ पे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और जिले के जितने भी अधिकारी हैं वे मौजूद हैं यहाँ पे और उनकी ही निगरानी में या कह सकते हैं उनकी देखरेख में जो मतगणना का कार्य है वह शुरू हुआ है। और बात करें सुबह 8 बजे से ही जो मतगणना है वह प्रारंभ हो गया है। टोटल इस रांची ज़िले की ही बात करें तो लगभग 888 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इस चुनाव में शामिल हुए थे वे, और उनके भाग्य का फैसला कर सकते हैं आज होना है। टोटल यदि इन चार जगहों की बात करें तो 2,23,000 के करीब जो मतदाता थे वे इन इलाकों में थे, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए एक गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान किया था। और आज उनकी काउंटिंग हो रही है तो देखना होगा कि जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि यदि प्रत्याशियों की बात करें तो इस चार जगहों पर 888 प्रत्याशी चुनावी मैदान में शामिल हुए थे और किनकी जीत होती है वह मतगणना के बाद ही आज स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जिस तरह से चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत रहा है बुंडू तमाड़ राहे और सोनाहातू में तो 60% से ऊपर हर एक जगह जो वोटिंग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस मतदान में शामिल हुए थे और गांव की सरकार बनाने के लिए जो अपने चलिए बिल्कुल अपनी तो भूमिका निभाई थी मतदान के लिए और आज काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।